चाहेंगे गौरी मिला के लोग माता की जय हो। आज हमने सलभ मणि जी के लिए रोड शो किया गौरी बाजार में, और मैं जो एनर्जी देखा आज रोड शो में, मैं ऐसी एनर्जी बहुत कम देखने को मिलता है हमें। हम लोग तो पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, तो रोज कहीं ना कहीं जाते हैं। तो एक तो मैं सलभ मणि जी के प्रति जो देवरिया का और गौरी बाजार का जो प्यार है उसको मैं धन्यवाद करता हूँ जन लोगों को। और जो युवा लोग हैं वो बहुत ही उत्साहित है। बाकी पूरे प्रदेश में अभी 3 चरण का चुनाव हो चुका है और सभी सर्वे ऑलमोस्ट, जहां पे हम कमजोर थे, जहां हमें कमजोर माना जाता था बीजेपी को पश्चिम में, वहां भी हम बहुत 20-21 होके निकले हैं। तो ऐसे में वापस पुनः उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक वापसी होने जा रही है, और मुझे लगता है सलभ मणि विधायक तक नहीं मानते हैं। देवरिया के विकास को ध्यान में रखते हुए सलभ को बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए हम लोग विचार कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद सलभ मणि, जिंदाबाद जिंदाबाद। चल रहा है 2 मिनट। मनोज त्रिपाठी जी आए और भोजपुरी न बोले तो अच्छा नहीं लगेगा। सारा खराब कर दे रहे हो, कोई मतलब नहीं है। देखिए हम तो हमारा तो लागत लगे भोजपुरी बोलते नहीं। और देखिए देवरिया पूर्वी क्षेत्र के, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के बहुत महत्वपूर्ण जगह के हृदय कहीं तो में कोनो दूराय नहीं के, और बहुत लंबा समय से एक ऐसा व्यक्तित्व की तलाश रहे जो देवरिया और आसपास के विकास के गति दे। आप सबके पता बा कि सलभ मणि हमारे छोट भाई योगी आदित्यनाथ जी के एक मीडिया सलाहकार, उनकर सलाहकार, और बहुत सारे उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के मामले में अपन बहुत विचारधारा के शेयर करेंगे, और योगी जी उनका बहुत सम्मान करते हैं। तो जिस व्यक्ति का, उसके विचारों का सम्मान योगी आदित्यनाथ जी जैसा व्यक्ति करता हो, तो उसके पीछे कितना बड़ा विकास हुआ बाटे के आज यहाँ सैकड़ों युवा आपकी एक आवाज को सुनने के लिए बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। तो हम अपने चैनल के माध्यम से उनको चाहेंगे, आप एक कड़ी का कोई बस मंदिर अब बनने लगा है भगवान। अरे भाई सुनना दीजिए, हमने के तो जो हम माहौल देखा तनी पूरा उत्तर प्रदेश में वही के देख के हम मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। अब लोग एक अर्थ लगावता कि मतलब का हम केवल भगवान श्री राम के भव्य मंदिर तक ही सीमित नहीं है, हम केवल काशी विश्वनाथ तक सीमित नहीं है, और हम केवल मथुरा जी तक ही सीमित नहीं है। हम उत्तर प्रदेश को एक मंदिर के रूप में तैयार कर रहे हैं जहां सबकी आवाज सुनी जाती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। काशी भी सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है, देवरिया भी सजने लगा है, और गौरी भी गौरी सलभ का धुन बजने लगा है। जय श्री राम। वाह वाह। अब डमरू जब बज जाएगा सोच नजारा क्या होगा। मथुरा भी सजने लगी है,
और सलब की बंसी बजने लगे तो सलब की बंसी बज जाएगी, सोच नजारा क्या होगा। ये देवरिया हमारा सोचिए तो इससे प्यारा क्या होगा, इससे प्यारा क्या होगा। तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, नेहा सिंह राठौर का यूपी में क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गया, इस पे क्या कहना आपका? नेहा सिंह राठौर का यूपी में क्या बा, फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गया है, थर्ड हो गया, थर्ड भी हो गया है, इस पे क्या कहना आपका? अरे भाई, अगर कोई यूपी के कहे कि यूपी में क्या बा, तो इतने बड़ी यूपी के अपमान बा, यूपी में सब कुछ बा, सब कुछ बा, जवर कपो न रहल, जवर कपो न रहल, तो रोबा, यूपी में सब बा, बुलडोजर बा। अब देखिए, हम ये ऐसे, ये लोग जो है ना अनाड़ी लोग होते हैं, जिस उत्तर प्रदेश में भगवान राम जन्म लिए, जहाँ कृष्ण जन्म लिए, और वही पार्टी जो कहती हमारे सपना में कृष्ण आते हैं, वो कहत वो कहवावत तक यूपी में का बा, यूपी में बाबा बा।